about yourself and then about the entire journey over there. Okay, so namaste. मेरा नाम कंचन गुप्ता है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि हमारी जितनी वहाँ कंटेस्टेंट थी, जितने लोग थे वहाँ, सारे बहुत बहुत अच्छे कंट्री से और अच्छे टैलेंट के साथ आए थे और सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने भी बहुत कुछ सिखाया और बहुत मज़ा आया. उनसे दोस्ती हुई, आपस में बातें शेयर हुई और काफ़ी हेल्पफुल थे वो और काफ़ी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. और हमने बहुत अच्छा वहाँ एक के बाद एक जो हमारे वहाँ पे टैलेंट राउंड था या स्पीच थी वो हमने करी और सबने बहुत अच्छा किया. मेरा नाम अमीशा चौधरी है और मैं फाउंडर डायरेक्टर ऑफ मिसेस इंडिया लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर हूँ. और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी. मिसेस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन का ये 46वां सीज़न था जो ऑर्गेनाइज हुआ. हर साल इनका जो एडिशन है वो अलग देशों में होता है. इस बार इन्होंने मनीला फिलीपींस में ऑर्गेनाइज किया जहाँ पे 90 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था. अलग अलग देशों से डेलीगेट्स आए थे. और बहुत ख़ास बात इस प्लेटफॉर्म की, मिसेस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन की, ये रही है हमेशा से कि ये डोमेस्टिक वायलेंस फॉरम पे बहुत ध्यान देते हैं. उसको लेके एक बहुत बड़ा फॉरम ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे हर कंट्री से जो भी डेलीगेट्स आते हैं वो अपने देश में जो भी डोमेस्टिक अब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर मुद्दे हैं उसके ऊपर प्रेजेंटेशन देते हैं. तो आई एम वेरी प्राउड कि कंचन गुप्ता ने इंडिया के जितने भी हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के जितने भी केसेस हैं, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितनी भी जो भी पिछले कुछ समय में केसेस फाइल हुए हैं, इन्होंने मीटिंग भी करी पर्सनल वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स से भिलाई के और रायपुर के. और एक ग्राफ तैयार किया हम लोगों ने कि क्या क्या जो है जो डेली बेसिस पे जो मैरिड लेडीज़ हैं या फिर जो गर्ल चाइल्ड हैं अपने घरों में या फिर आसपास के इलाकों में डोमेस्टिक अब्यूज़ जो है किस तरीके से वो उससे लड़ती हैं, क्या क्या सहन करती हैं, तो इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन तैयार की गई. और वहाँ पे इन्होंने बहुत बखूबी से उस चीज़ को प्रेजेंट किया मिसेस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन में. और काफ़ी ऐसे बहुत खूबसूरत सफ़र रहा क्योंकि मैं खुद पर्सनली इस बार कंचन के साथ वहाँ पर गई थी और मैंने काफ़ी नज़दीकी से देखा कि इतने बड़े लेवल पे प्लेटफॉर्म पे जो कंपटीशन है वो कितना टफ होता है. जो मुकाबला है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है और काफ़ी सारी खास चीज़ें हैं जो हमने हिंदुस्तान को वहाँ पे हमारे कंट्री का जो कल्चर है, हमारे जो कंट्री की रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने वहाँ पे जिस तरीके से कंचन गुप्ता ने प्रस्तुत किया, जिन तैयारियों के साथ हम वहाँ गए थे वो बखूबी इन्होंने वहाँ पे निभाया है. और इतनी बड़ी उपलब्धि जो मिसेस एलीट यूनिवर्स की जो इन्होंने ये टाइटल जो हासिल किया है, मेरे लिए ये बहुत खूबसूरत सफ़र इनके साथ रहा और बहुत काबिले तारीफ़ है जिस तरीके से उन्होंने इतना टफ जो कॉम्पिटिशन 90 लोगों के बीच में दिन रात 10 दिन तरह तरह के राउंड्स, चाहे वो नेशनल कॉस्ट्यूम हो. आप सभी जानते हैं कि ब्यूटी पैजेंट में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नेशनल कॉस्ट्यूम क्या मायने रखता है क्योंकि वहाँ सभी लोग अपने अपने जो कंट्री के कॉस्ट्यूम है एक कॉस्ट्यूम की तरह ज़रिए से वो अपना जो है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देते हैं. तो बहुत ख़ास रहा इनका वो राउंड भी. बाकी खुद बताएंगी कि उन्होंने किस तरीके से उसको वहाँ पे प्रेजेंट किया. ओके कंचन जी, सो अमीशा जी ने कहा कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहाँ पर आपके ऊपर, तो वो फीलिंग के बारे में बताइए जब आपको ये क्राउन से नवाजित किया गया, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, अगर उस मोमेंट और उस फीलिंग के बारे में अगर बताना चाहेंगे. बहुत बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है एक औरत के लिए जब उनके सर पे ताज सजता है और वो फीलिंग हम शब्दों में नहीं बोल सकते. मेरी स्माइल से आप पता कर सकते हैं या जितनी औरतें हैं जो जीतना चाहती हैं वो इसी उम्मीद पे आगे बढ़ती है कि हमें कुछ मिले. और मैं भी उसी उम्मीद से गई थी और मैंने एक ताज जीता और ये एक्सपीरियंस हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी भर की एक याद रह के आ गया है कि ये एक्सपीरियंस मेरा है और ये क्राउन मेरा है जो भारत के लिए मैं यहाँ लाई. राइट. और हमेशा जी सेम सवाल आपसे भी है, क्या फीलिंग थी वो जब इनको ये क्राउन पहनाया गया कंचन जी को
और आप भी मुझे लगता है कि थोड़ी इमोशनल हुई होंगी वो टाइम पे, अगर आप शेयर करना चाहें उस मोमेंट के बारे में, उस फीलिंग के बारे में। जी बिल्कुल, ये जो फिनाले था 46th सीजन का मिसेस यूनिवर्स का, ये वहाँ एक काफ़ी खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। सभी लोग जो चीयर लीडर्स थे, वेलविशर्स थे, फैमिली फ्रेंड्स, जितने भी डेलीगेट्स के वहाँ पे ऑडिटोरियम में बैठे थे, सब अपने अपने डेलीगेट्स को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैं मेरी टीम कंचन गुप्ता के लिए इंडिया सपोर्ट कर रही थी, तिरंगा लहरा रहे थे। तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जब आप बाहर विदेश में अपने देश का नाम लेते हो, क्योंकि बहुत ख़ास बात है इस ब्यूटी कंपटीशन की या किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की कि आप अपनी कंट्री के नाम से जाने जाते हो, वहाँ पे आपके पर्सनल खुद के नाम से आपको कम बुलाया जाता है। तो अगर हम चीख चीख के अगर उनको सपोर्ट कर रहे थे तो इंडिया इंडिया बोल रहे थे जब भी कंचन गुप्ता आ रही थी प्लेटफॉर्म पर। और मेरे वाकई में मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब उनका नाम अनाउंस किया गया एज मिसेस एलीट यूनिवर्स। मेरा मुझे सच में मैं बहुत इमोशनल हो गई, मैं नर्वस हो गई, मेरे बटरफ्लाइज हो रहे थे, काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग थी। मैं अपने आप को सोच रही थी कि मैं ही स्टेज पे खड़ी हूँ शायद, और हर जो मतलब कोई भी ऐसी जो फीलिंग थी जो मैं कह सकती हूँ कि खुशी की या आँखों में आंसू आने वाली या मुस्कुराहट वाली या गला फाड़कर चिल्लाने वाली उनको सपोर्ट करने के लिए, तो वो सारी फीलिंग्स रही थी और बहुत ही प्राउड फील कर रही थी मैं सारी कंट्री के लिए, सारी इंडियन मैरिड वुमेन के लिए, इनकी फैमिली के लिए, अपनी पूरी टीम के लिए। सो इट वॉज रियली अ प्राउड मोमेंट। राइट, वैसे तो क्राउन सजा हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी मेहनत थी, बहुत सारी प्रिपरेशन थी, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ी और क्या क्या प्रिपरेशन से गुजरना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आपसे इंस्पायर होने वाली हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि ये सबको पता है कि 46th सीजन था और ये डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ये काम करते हैं, ये वाला जो इंटरनेशनल पेजेंट है। एंड मैं सब सारे देशों से जो बहुत खूबसूरत महिलाएं, बहुत खूबसूरत डेलीगेट्स आई थी, उन्होंने अपने देश को हर एक कॉस्ट्यूम से रिप्रेजेंट किया था कि उनके देश में क्या बखूबी होता है। मैंने रिप्रेजेंट किया था अपने देश को नीलकंठ से, जो कि शिव जी का अवतार है और साथ ही शुभ माना जाता है दशहरे के लिए कि किसी ने देख लिया तो उसे धन प्राप्ति होती है। तो मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया नीलकंठ के पक्षी के रूप में कि मैं भारत को आगे ले जाऊं और उस पक्षी का नाम भी आगे ले जाऊं, क्योंकि हर कोई अलग अलग देश से आके अपने तिरंगे को या अपने झंडे को आगे लेके आता है। तो मैं नीलकंठ को ले आई थी और ये इतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, एक गर्व भरा एक्सपीरियंस था, बहुत प्राउड मोमेंट था और सबने बहुत सराहा इस चीज़ को। और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे देख के बाकी सारी औरतें, बाकी सारी महिलाएं इंस्पिरेशन लें और आगे आएं और बहुत अच्छा कुछ ऐसा भारत को रिप्रेजेंट करें जो भारत के किसी एक पक्षी या जानवर या कोई भी एक आप किसी भी एक मोमेंट को ले सकते हैं कि वो आगे जाए। राइट, ऑल्सो आप दोनों से जानना चाहूँगा कौन इंस्पिरेशन है आप दोनों की, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे। वैसे आप दोनों से ही बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर होने वाली हैं। आई थिंक मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सबसे पहली बात कि हम दोनों की इंस्पिरेशन कौन है। तो मैं कहना चाहूँगी कि भारतीय नारी हमारी इंस्पिरेशन है, एक इंडियन मैरिड वुमेन जिसे बहुत कम रिकग्निशन मिलती है। हम सभी जानते हैं, हम सभी के घर में हमारी मदर्स हैं, डॉटर्स हैं, सिस्टर्स हैं, भाभियाँ हैं और मदर इन लॉज हैं। तो जो लोग घर में बैठकर हमारे लिए दिन रात काम करते हैं उनको कम रिकॉग्नाइज किया जाता है। जो होम मेकर्स होते हैं उनकी कम पहचान करी जाती है, उनके बारे में कम बात करी जाती है। तो अगर आपने मुझसे ये सवाल पूछा है कि मेरी इंस्पिरेशन या कंचन की इंस्पिरेशन कौन है, तो इंडियन मैरिड वुमेन हमारी इंस्पिरेशन है। और जो ये जर्नी रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका जो मैसेज है हमारी इस अचीवमेंट के थ्रू, मैं वो कहना चाहूँगी कि हर एक भारतीय नारी अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है, जैसे कि कंचन ने कर दिखाया। कंचन जी, if you can add something. जी बिल्कुल, मेरी डायरेक्टर ने बहुत सही शब्द कहे हैं कि भारतीय नारी, हम माता दुर्गा को पूछते हैं उनके कितने स्वरूप होते हैं, वैसे ही मैं सोचती हूँ भारतीय नारी भी देवी का रूप होती हैं, उनके बहुत स्वरूप होते हैं और
वो हर वो चीज़ कर सकती है जो वो ठान लेती है। तो हाँ, एक भारतीय नारी हमारी इंस्पिरेशन हमेशा है और रहेगी। अमीषा जी, यू आर द फाउंडर, यू आर द डायरेक्टर, यू नो आई एम श्योर द जर्नी वॉज नॉट दैट ईजी, यू नो प्लानिंग एवरीथिंग शुरू से शुरू करना एंड देन टेकिंग थिंग्स अहेड एंड मेकिंग इंडिया प्राउड इन अ वे। सो आप एज अ वुमन, एज एन एंटरप्रेन्योर, हाउ डू यू लुक थ्रू दिस? It is a very challenging, you know, place to be an organizer or a national director or a, you know, women entrepreneur, when you have to execute something on such a big platform. So the journey was not easy. It was like a roller coaster ride, because there were many ups and downs in between. बहुत सारे challenges बीच में आए. और मेरी जो पोजीशन है वो एक बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन है, क्योंकि आखिरी में एक डायरेक्टर को या फिर एक क्वीन मेकर को जवाब देने होते हैं हर चीज़ के। आप रिस्पॉन्सिबल होते हो अपने डेलीगेट को तैयार करने के, उन्हें बाहर भेजने के, उनकी हर एक छोटी छोटी चीज़, उनकी पूरी जर्नी। 10 दिन का जो ये कॉम्पिटिशन वहाँ पर रहा है, इसकी तैयारी महीनों भर की थी। लगते ये 10 दिन है, लेकिन उसके पीछे एक पूरी टीम खड़ी होती है। इस 10 दिन की जो तैयारी हम करते हैं वो महीनों भर से शुरू कर देते हैं। अगर हम बात करें तो कंचन गुप्ता ने मिसेस इंडिया लेगेसी का खिताब, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल प्लेटफॉर्म पे जीता था 23 मई को। तो हमारे पास बहुत कम वक्त था कि हम इन 2.5-3 महीनों में ऐसा कुछ कर दिखाएँ कि वो जो सबसे एक्सक्लूसिव हो, जो सबसे अलग दिखे और जो सबसे ज़्यादा जस्टिफाइड हो। तो आई थिंक वो हमने बखूबी निभाया। चैलेंजेस आए, हमने जो नीलकंठ की बात करी, वो नेशनल गारमेंट जो था उसे बनाने में हमें 1.5 से 2 महीने लगे। उसको हमने इंडोनेशिया से बनवा कर यहाँ पर मंगवाया था, बाली से। बहुत ही फेमस डिज़ाइनर है इंडोनेशिया में, इंगी केंद्र, हम उनको भी थैंक्स करना चाहेंगे। एक इंडोनेशियन डिज़ाइनर होने के बाद भी उन्होंने इतनी खूबसूरती से नीलकंठ को, बड़ी बारीकी से जिस तरीके से उस डिज़ाइन को उतारा है फैब्रिक पे, और जिस खूबसूरती से उन्होंने उसको बनाया है, उसमें 4 चांद कंचन ने पहनकर लगा दिए। आप सभी ज़रूर देखिएगा। हमने अभी तो बहुत फेमस हो गया है कंपटीशन के बाद हमारा नीलकंठ वाला रिप्रेजेंटेशन। तो बहुत चैलेंजेस आते हैं। आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचना जो अब तक शायद किसी और ने नहीं करी है, जो बिल्कुल अलग लगे, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस की प्रेजेंटेशन हो, इनके बॉडी पॉस्चर ट्रेनिंग हो, पैजेंट एटिकेट ट्रेनिंग हो, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, और इनके जितनी भी तैयारी हैं, जितने भी डिज़ाइंस हैं, एक से एक बढ़कर हमने अपने पैनल में जो डिज़ाइंस लिए, इनकी हर एक गारमेंट के पीछे एक सोच थी। कोई भी कॉस्ट्यूम 10 दिन का ऐसे नहीं डिज़ाइन किया गया कि रैंडमली हमने कुछ भी पिक कर लिया और उनको पहना दिया। तो हर एक डिज़ाइन के पीछे, हर एक कॉस्ट्यूम के पीछे एक सोच थी, एक रीज़न था कि ये पहनाना है तो इसीलिए पहनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने फ्रेंडशिप नाइट करके वहाँ पे एक इवेंट था, तो उसके लिए हमने चूज़ किया, हम एक वाइट कलर का गारमेंट पहनाए, जो कि पीस का प्रतीक होता है, जिससे आप बहुत ही पीसफुल आपका ऑरा लगे, आपकी वाइफ बहुत पॉजिटिव हो। तो इतनी छोटी छोटी बातें थीं जो हमने सोची, और इसके पीछे श्रेय जाता है पूरी टीम को, पूरी मिसेज इंडिया लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन को। मैं डायरेक्टर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कुछ मैंने किया है। मेरे पीछे और 10 लोग खड़े हैं, 15 लोग खड़े हैं, जिन्होंने दिन रात कंचन के लिए काम किया है, चाहे वो हमारी फोटोग्राफी टीम हो, हमारे मेकअप आर्टिस्ट हो, हमारे ग्रूमिंग पार्टनर्स हो, हमारे ट्रेनर्स हो, हमारे जितने भी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स हो। आप किसी के भी बारे में बात करेंगे तो सब ने दिन रात बहुत मेहनत करी है कंचन के साथ। खुद कंचन ने बहुत मेहनत करी है। जितने भी हमारे फ़ोटोशूट्स हुए, उन्होंने काफ़ी फ़ोटोशूट्स में, तो ये इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 दिन रह गए थे जब हमें हमारा डिपार्चर था, और उससे पहले पहले हमें सारी चीज़ें ख़त्म करनी थी ताकि हम अपनी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दे सकें। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि मेरी पोजिशन, मुझे कैसा फील होता है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहता है ये जो सफ़र रहता है, और बहुत ही हार्ड वर्क है, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और मुझे ये सारी चीज़ें जो है बैलेंस करके चलनी पड़ती है कि सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, हम लोग बेस्ट दें, किसी को कोई परेशानी ना हो, और
एक लेडी जो हमें रिप्रेजेंट करने जाती है हमको या पूरे हिंदुस्तान को, उसको बनाने के लिए जो लगता है वो बहुत कड़ी मेहनत होती है। तो मेरे साथ साथ जो कि बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया और कंचन का साथ दिया, उन सभी की शुक्रगुजार हूँ। और आई एम वेरी पॉजिटिव आने वाले जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, प्लेटफॉर्म्स होंगे, हम बखूबी उनको भी बहुत ही पॉजिटिवली तैयारी करके निभाएंगे। सो नेक्स्ट क्या होने वाला है? आई एम श्योर कंचन ने जो पेजेंट जीता है उसके बाद बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। क्या नेक्स्ट होने वाला है और क्या कुछ देखती है, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो महिलाएं आपसे जुड़ना चाहती हैं? एब्सोल्युटली। तो अभी अगर आप बात करें मिसेज इंडिया लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो नेक्स्ट हम दोबारा तैयारी कर रहे हैं अभी अगले कुछ दिनों बाद से मिसेज इंटरनेशनल ग्लोबल, जहाँ पे हमारी दूसरी रिप्रेजेंटेटिव है, जिनकी तैयारी शुरू होने वाली है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत इंस्पिरेशन मिलती है मिसेज एलिट यूनिवर्स जीतने के बाद, कंचन को देखने के बाद। बहुत सारी महिलाएं हैं जो आगे आना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब कोई होम मेकर आगे बढ़ती है। सबसे ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस तब आता है जब कोई घर से उठ करके आता है अपने सपने पूरे करने के लिए, क्योंकि हर एक लड़की का और एक हर एक महिला का बचपन से ही एक सपना होता है कि हम खुद के पैरों पे खड़े हों, इंडिपेंडेंट हों। कई बार कुछ सपने दबे रह जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। वहाँ पर अगर हमारे प्लेटफॉर्म को देखकर या हमारी जर्नी, जितनी भी इंस्पिरेशनल स्टोरीज रही हैं, जैसे हाल ही में कंचन ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है, तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर अगर लोगों में बढ़ती है विल पावर और कॉन्फिडेंस आता है, और अगर ऐसे ही इंस्पायर होकर अगर कोई होम मेकर आके आके अपना विल दिखाता है, तो उससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं। कंचन, बॉलीवुड में एंट्री करने का कोई प्लान है क्या? क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उस बारे में शेयर करना चाहूँगा? जी, मैं सामने देखूँगा। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ बॉलीवुड की और मैं करना चाहूँगी कि अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट मेरे पास आता है, पर उसके पहले मैं ये सोचती हूँ कि मैं जहाँ से आई हूँ, छत्तीसगढ़ से, मैं वहाँ औरतों को ग्रूम करूँ, उनको ग्रूमिंग क्लासेस दूँ, उन्हें आगे लाऊँ, क्योंकि वहाँ भी औरतें सपने देखती हैं पर कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। मैं उन्हें रास्ता दिखाना चाहती हूँ कि मैं जैसे घर से घर के साथ परिवार के साथ आगे बढ़ी हूँ, आप भी कर सकते हो। तो मैं पहले छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।